लाल सागर हुती के हमलों से बार बार दहल रहा है। एक तरफ गाजा के भीतर अब हमास इजरायली सेना पर हावी है, वहीं हुती इराक और सीरियाई प्रतिरोधियों के साथ मिलकर लगातार उत्तरी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इन हमलों की वजह से इजरायली सेना में बढ़ते मौत के आंकड़े की वजह से अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू काफी दबाव में है। और हुती जो समंदर में पहले ही 3 जहाजों को डुबो चुका है, उसने फिर से अपने हमलों की धार तेज कर दी है। इसराइल के ऊपर चौतरफा हमलों के चलते 9 जुलाई 2024 को इराकी प्रतिरोधियों ने हुती के साथ मिलकर इसराइल पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया था। और अब एक बार फिर से हुती ने अरब सागर और एडन की खाड़ी में अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बनाया है। हुती का कहना है कि उसने अरब सागर में अमेरिकी जहाज मार्क सेंटोसा पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसके अलावा इसी इलाके में मार्थोपोलिस जहाज पर भी हुती ने एक बार में कई ड्रोन्स दागे हैं। हुती का दावा है कि उसके ये दोनों ही हमले एकदम सटीक रहे हैं। इसके अलावा हुती ने इस हमले को लेकर कहा है कि ये जहाज कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ जा रहा था, इसीलिए इन पर हमला किया गया। वहीं एडन की खाड़ी में हुती ने इजरायली जहाज एमएससी पेंट्री पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए हैं। हुती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने भी इस अटैक को लेकर आधिकारिक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इन हमलों की पुष्टि की है। نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية وعلى النحو التالي استهداف سفينة ميرسك سينتوسا الأمريكية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله استهداف سفينة مارثوبوليس في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة استهداف سفينة ام اس سي باتنري الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير وحققت هدفها بنجاح। इस सब के बीच इराक के प्रतिरोधी समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर भी एक बड़ा हमला किया है। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि उसने यहां पर एक प्रमुख पावर प्लांट को निशाना बनाया है। और इससे करीब 2 घंटे पहले प्रतिरोधी समूह ने इलत पर ड्रोन हमले का एक वीडियो फुटेज जारी किया था। और इसके बाद 10 जुलाई 2024 को प्रतिरोधी समूह ने कई ड्रोन्स ओरोत रोबिन पावर प्लांट पर फायर किए हैं। ये पावर प्लांट हदेरा में है, जो कब्जे वाले फिलिस्तीनी तट पर है। अहम बात यह है कि ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है जिसे इजरायली सरकार चलाती है, और इस प्लांट से करीब 2.59 गीगावाट बिजली सेटलर्स कॉलोनियों में भेजी जाती है। और इस पावर प्लांट पर हमले से पहले प्रतिरोधी समूह ने हुती के साथ मिलकर इसराइल पर कई ड्रोन अटैक किए थे। उस वक्त हुती ने भी इस हमले की पुष्टि की थी।